जितनी महंगाई जो कर रखे हैं, ये जो सरकार आ रहा है नीतीश कुमार जो आ रहा है, केंद्र सरकार से हम विनती करना चाहते हैं, गरीब आदमी का क्या होगा, फ्री में आप सिलेंडर दिए, उससे ज्यादा तो सिलेंडर का पैसा आप लोग ले रहे हैं, खाली घर घर में फ्री सिलेंडर दिए हैं, उससे ज्यादा तो सिलेंडर से पैसा आप काट रहे हैं, जहाँ 700 पहले मिल रहा था आप 1470 रुपया आप ज्यादा ले रहे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ क्या कहेंगे, मोदी सरकार है उसको जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है, गरीब जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है, वह कॉरपोरेट की सरकार है, वह अमीर लोगों की सरकार है, वह गरीब जनता की सरकार नहीं है, उसको हटाओ देश बचाओ। मोदी सरकार का अच्छा दिन आ गया, देखिए ना अच्छा दिन कैसे आ गया, 1070 में हम सिलेंडर ले रहे, ये अच्छे दिन है, अब इससे अच्छा दिन क्या आएगा। अभी हम बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर में है और यहाँ पे एचपी का जो गैस है वह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। लेकिन लोगों का आरोप है कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं वह भयावह रूप ले रहा है, लोग मजबूरन गैस भराना जरूरी है, खाना बनाएंगे खाएंगे तो गैस की तो ज़रूरत है ही, लेकिन सरकार की जो योजना थी फ्री में गैस का बंटवारा कर रहे थे, गरीबों तक गैस पहुंचाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कई लोग ऐसे भी है जो 10-20 रुपए के कारण गैस नहीं ले पाए, यहाँ 1070 रुपये जो गैस का दाम लिया जा रहा है उसको लेकर कई लोग 1000 रुपये लेके आए थे, जो अनुमानित राशि था कि 1000 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, तो कोई 1000 रुपये लेके आए थे तो उसका 70-50 रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहा था उसको, उसके कमी के कारण कई लोग जो है वह गैस नहीं ले पाए। और जब बिहार की बात आती है तो सबसे पिछड़े राज्य में बिहार की गिनती आती है, लेकिन अगर दामों में देखा जाए तो जिस तरह से बेतहाशा पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है उसी तरह से गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हुई है, लेकिन क्या इस अति पिछड़े राज्य को, यह पिछड़ा राज्य है जो विकास के दर में हर चीज़ में पिछड़ा राज्य है, क्या इसमें कुछ सहूलियत दी जाएगी आम जनता को, यह भी देखना बाकी रहेगा। बाकी तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से लूट मची है और महंगाई की मार गरीब जनता पे कैसे पड़ रही है। रंजीत कुमार, कौन से गैस एजेंसी से? बाबा सुनो सर, क्या प्राइस है गैस का अभी? 1051.50 रुपया। 1051.50, ये कब से बढ़ोतरी हुई है? ऑफिस जाइए पता कर लीजिए कब से बढ़ोतरी हुआ। तो कई लोग आते होंगे वो तो पुराने दाम में मांगते होंगे, तो क्या जवाब बताओ? पुराने जो रेट है आ रहा है उसी रेट से हम बेचेंगे, जो रेट ऊपर से बन के आ रहा है उस रेट से हम दे रहे हैं, जैसे हमको आ रहा है वैसे हम बेच रहे हैं। 1050 रुपये कब से हुआ ये? 1 तारीख से। कुशल कुमार, गैस लेने आए हैं जी, कितना देना पड़ा आपको पैसा? 1070 रुपया। 1070 रुपया जी। तो ये जो महंगाई बढ़ी है इस पे क्या कहना है आपका? महंगाई बढ़ा इसमें क्या कहना है। देखिए इतना सिलेंडर जो 1-2 महीना नहीं चलता है, इतना महंगा पहले 700 मिलता है, अब 1070 में मिल रहा है, इतनी महंगाई मोदी सरकार का, इतनी महंगाई तो है नहीं, जितनी महंगाई जो कर रखे हैं, ये जो सरकार आ रहा है नीतीश कुमार जो आ रहा है, केंद्र सरकार से हम विनती करना चाहते हैं, गरीब आदमी का क्या होगा, फ्री में आप सिलेंडर दिए, उससे ज़्यादा तो सिलेंडर का पैसा आप लोग ले रहे हैं, खाली घर घर में फ्री सिलेंडर दिए हैं, और उससे ज़्यादा तो सिलेंडर से पैसा आप काट रहे हैं, जहाँ 700 पहले मिल रहा था आप 1470 रुपया आप ज़्यादा ले रहे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या कहना? आप गैस लेने आए थे, बढ़ती दाम को लेके गुस्सा दिख रहा है, क्या कहना आपका? क्या कहेंगे, मोदी सरकार है उसको जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है, गरीब जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है, वह कॉरपोरेट की सरकार है, वह अमीर लोगों की सरकार है, वह गरीब जनता की सरकार नहीं है, उसको हटाओ देश बचाओ। मोदी सरकार का अच्छा दिन आ गया, देखिए ना अच्छा दिन कैसे आ गया, 1070 में हम सिलेंडर ले रहे, ये अच्छे दिन है, अब इससे अच्छा दिन क्या आएगा। नीतीश कुमार भी कह रहे थे अच्छा दिन आएगा, हम मोदी में नहीं सटेंगे, अधिक आज मोदी में फिर सट गया है, सेंटर में जा रहा है, अति केंद्र को छोड़ के सेंटर में जा रहा, मोदी जा रहा, मुख्यमंत्री छोड़ के राष्ट्रपति का ख्वाब दिख रहा। गैस ले रहे हैं, क्या कहना है आपका? गैस महंगा मतलब मिल रहा है, सरकार जो है पूरा देश के बेचने में लगा हुआ है, ऐसे देश 1070 में गैस मिल रहा है अभी, जिस दाम अब सब्सिडी भी साफ, मतलब जब 700 रुपया में गैस लेते थे, 800 रुपया में गैस, 300 रुपया लगभग सब्सिडी आता था, अभी 1070 में गैस ले 79 रुपया सब्सिडी आता है। इसका जिम्मेदार किसे मानते? सरकार को मानते, मोदी सरकार को मानते, किसको मानेंगे? सब घर घर सिलेंडर दे दिया गया है लेकिन कोई भी नहीं सिलेंडर भरा रहा है,
और सबसे ज्यादा मतलब जो कनेक्शन लेने में 5,000 लगता है या 3,000 जो लगता हो उससे ज्यादा मतलब फ्री में कनेक्शन दे रहा है, उसमें पैसा ले रहा है मोदी सरकार।